नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के तीनों लालों का परिवार जबरदस्त संघर्ष झेल रहा है। ताऊ देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल के परिवार के लिए सियासी डगर और उनके वारिसों के लिए सियासी डगर आसान नहीं। हिसार लोकसभा सीट पर ताऊ देवीलाल के परिवार में ही टक्कर है। बहुएं ससुर को घेरने में लगी हैं। रणजीत चौटाला, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला में मुकाबला है। वहीं अगर कांग्रेस ने चंद्रमोहन बिश्नोई पर दांव नहीं लगाया तो ऐसा कई दशक बाद होगा कि हरियाणा के दूसरे लाल भजनलाल फैमिली लोकसभा चुनाव से पूरी तरह आउट हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई एंड फैमिली में से किसी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। वहीं तीसरे लाल की बात करें तो बंसीलाल की राजनीतिक विरासत संभालती उनकी बहू किरण चौधरी भिवानी सीट से टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इन तीनों लालों से तर इस चुनाव में हुड्डा फैमिली सबसे मजबूत नजर आ रही है। वो जहां अपनी गढ़ की सीट के लिए अपने टिकट को तय कर रही है, तो वहीं अन्य लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों का भाग्य भी कहीं ना कहीं उनकी मुट्ठी में ही बंद है। ऐसे में सवाल यह है कि हरियाणा की सियासत जिनसे शुरू और जिन पर खत्म होती थी, उनके वारिसों का सियासी भविष्य क्या होगा। साथ ही सवाल यह भी कि हुड्डा फैमिली जो मजबूत नजर आ रही है, वो वाकई में मजबूत है। सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में एक्टिव रहना, लोगों से जुड़ना, जनता के मुद्दे और उनकी समस्याओं को हल करना, ये बेहद अहम होता है। अब देवी लाल और बंसीलाल भजनलाल के वारिस जो हैं, उनका राजनीतिक संकट जो कहीं ना कहीं उनके सियासी भविष्य पर मंडराता नजर आ रहा है। डगर आसान नहीं है, चुनौतियां कई हैं, पार्टी का शीर्ष आलाकमान भी दरकिनार कर रहा है। ऐसे में हुड्डा परिवार की बात की जाए तो वो कांग्रेस में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। रोहतक सीट में भी दीपेंद्र हुड्डा की लगभग दावेदारी तय मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि चुनौतियों के बाद क्या कमबैक किया जाएगा। जो हरियाणा के तीन लाल उनके परिवार कमबैक करेंगे तो कैसे करेंगे, सियासी सफर कैसा होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, जिन पार्टियों में वो मौजूद हैं उन पार्टियों के साथ रहेंगे, किस तरीके की पशुपेश की स्थिति रहेगी, और हुड्डा गुट अगर मजबूत होता है तो आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूती पार्टी को मिलेगी, ये तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कतुरी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव 2024 का संग्राम छिड़ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर चुनावी तैयारियां रात दिन हो रही हैं। सियासी स्तर पर आंकें तो लालों के प्रदेश रहे, हरियाणा में इस बार लालों के परिवार सियासी संघर्ष में उलझ गए हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ ये कि चौधरी देवीलाल का परिवार सियासी तौर पर एक दूसरे के आमने सामने है। हिसार में इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला अपनी जेठानी नैना सिंह और चाचा ससुर रंजीत चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। अभी यहां कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान में उतरना है। फाइट जो है वो केवल बीजेपी और कांग्रेस में, क्योंकि लड़ने को कोई लड़े चौधरी देवीलाल बड़े डेमोक्रेट थे, मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े हैं, वो बड़े भाई हैं, पर हमारे पारिवारिक रिश्ते वो ही रहते हैं। चुनाव एक अलग चीज है। अपनी अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है, तो इसमें ना तो आप वो मुझे रोक सकते ना मैं उनको रोक सकते। गौरतलब है कि हरियाणा के 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल के दो बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई और छोटे पुत्र कुलदीप बिश्नोई सियासत की मुख्य धारा में आने को संघर्ष कर रहे हैं, जबकि बंसीलाल परिवार के सियासी वारिस किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी टिकट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि किरण चौधरी ने तो ट्वीट में सख्त लफ्जों का प्रयोग किया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उसमें भी सभी ये कह रहे थे कि परिवार के लोग सामने हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक उपदेश दिया था कि ये धर्म युद्ध है, तो हम आज उसी धर्म युद्ध में निकले हैं। आज जनता परेशान है, हाहाकार कर रही है, और ये आपने जो पारिवारिक सदस्यों के नाम लिए, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। आज
जनता को तय करना है कि उन्हें किसको चुनना है। ये जरूर है कि हुडा परिवार तीन लालू के परिवार की सियासी संघर्ष से अलग अपनी रोहतक की सीट ही हासिल नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों की टिकट की पैरवी भी कर रहा है। यही तो राजनीति के संघर्ष और रंग हैं। आगे और संघर्ष और रंग नजर आएंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो संघर्ष लगातार जारी है। सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वोटर्स के बीच में पकड़ बनाना, आम लोगों की जो समस्याएं उनको हल करना, रूबरू होते रहना, मिलते रहना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। सियासी पकड़ मजबूत होती है, संवाद मजबूत होता है, संवाद के जरिए रिश्ते मजबूत होते हैं, वोटर्स का भरोसा कहीं ना कहीं डेवलप भी होता है। देवेंद्र, जो स्थिति आज के हरियाणा के सियासी समीकरण में बनी हुई है, तीनों लालों का परिवार है, देवीलाल एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में, बंसीलाल और भजनलाल, इन तीन नामों के जो वारिस हैं उनका सियासी भविष्य क्या नजर आ रहा है? देखिए सौरभ, जिस तरीके से हमने दर्शकों को रिपोर्ट में दिखाया है, तीनों बड़े नेता थे। चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने सेंटर में जाकर, चौधरी भजनलाल 11 साल तक 5 बार में मुख्यमंत्री रहे थे, केंद्र में भी मंत्री रहे, कृषि मंत्री बने थे, और चौधरी बंसीलाल को एक सख्त प्रशासक के तौर पर जाना जाता था। चौधरी बंसीलाल के टाइम में प्रशासन बहुत जनता के हित के काम करता था। आज सौरभ वो एक चीज कहना चाहता हूं, तीनों बड़े नेता थे। हरियाणा में कोई भी सरकार, कोई भी नेता रहो, सबने काम किया है, किसी ने 19, किसी ने 21, योगदान सबका रहा है आज जहां हरियाणा खड़ा है। लेकिन आपको सौरभ ये बात आज मेरे जहन में आ रही है, ये तीनों लाल जिनकी हम बात कर रहे हैं, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल और चौधरी देवीलाल, ये कहा जाता है, दुखद है कहना, लेकिन ये हकीकत है कि तीनों इन लालों का बुढ़ापा जो है वो चैन से नहीं कटा। मतलब बुढ़ापे में मतलब थोड़ी सी अप्रिय इनके साथ घटनाएं हुई। चौधरी बंसीलाल का निधन तब हुआ जब इनके बेटे सुरेंद्र सिंह थे, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई। चौधरी बंसीलाल उनको वारिस के तौर पर देखते थे। चौधरी देवीलाल अपने आखिरी समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको लोकसभा चुनाव में हरवाया, और चौधरी भजनलाल 2005 के जब चुनाव हुए थे, भजनलाल को उम्मीद थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया। तो उनको मतलब ये दिल पर ले बैठे थे भजनलाल, बाद में कुलदीप बिश्नोई की पहल पर, उसकी सलाह पर, चूंकि चौधरी भजनलाल बूढ़े हो गए थे, तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई। तो तीनों लाल जिनको हम आज याद कर रहे हैं, लालों के नाम से हरियाणा को जाना जाता है, तीनों का बुढ़ापा अच्छा नहीं कटा, ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात, जिस तरीके से अब इन तीनों के, चौधरी भजनलाल के परिवार के दोनों बेटे जो उनकी विरासत थे, चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन, आज वो मुख्य धारा से बाहर है, इंतजार करें कि बीजेपी उनको चुनाव लड़वाए या कांग्रेस चुनाव लड़वाए। और जहां तक चौटाला परिवार की बात है, सिरसा से लगता हुआ हिसार जिला है, हिसार सियासी तौर पर बहुत एक समृद्ध जिला कहा जा सकता है, बड़े बड़े नेता हुए यहां से, लेकिन आज चौटाला परिवार के, आप देखिए सुनैना चौटाला इनेलो की कैंडिडेट है, लेकिन अपनी जेठानी नैना सिंह और चाचा ससुर के खिलाफ चुनाव लड़िए, एक ही परिवार की, सिरसा में गढ़ है, किला एक तरह से चौटाला परिवार का, लेकिन वहां तीनों परिवार के लोग जो हैं आज आमने सामने। हालांकि रंजीत चौटाला कह भी रहे कि चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल जब जिंदा थे, मैंने और ओम प्रकाश चौटाला ने भी एक दूसरे के खिलाफ हिसार से चुनाव लड़ा था। तो आजकल की जो राजनीति है, भाई भाई में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान है, वो बना रहता है, जैसा रंजीत चौटाला भी कह रहे हैं, अंजाम कुछ भी हो, लेकिन अब ये एक स्वस्थ परंपरा है, सियासी परंपरा है, जिसका निर्वहन एक बार फिर चौटाला परिवार कर रहा है। और इससे पहले भी बहुत सारे परिवार हैं देश में जो भाई भाई के सामने, या अजीत अजीत पवार, शरद पवार की बात ले ले, तो उस परिवार कहीं बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, लेकिन चौटाला परिवार का मुकाबला हिसार में दिलचस्प है। बिल्कुल महेश, जो स्थिति आज की सियासी स्थिति है वो बेहद दिलचस्प है। हिसार की सीट पर भी टक्कर कांटे की नजर आ रही है। परिवार की बात अलग है, राजनीति की बात अलग है, लेकिन इन तीन लालों की अगर वारिसों की बात की जाए, राजनीतिक वारिसों की बात की जाए, तो चुनौतियां कई हैं अभी आगे, क्योंकि मुख्यधारा से हट चुके हैं कुलदीप बिश्नोई भी, और अगर कुलदीप के जो भाई हैं, अगर उनको, चंद्रमोहन को कांग्रेस से टिकट मिल जाता है, तो माना जाएगा कि हाँ कुछ हद तक सद गया परिवार। तो चुनौतियां कई हैं, डगर आसान नहीं नजर आ रही।
देखिए शुरुआत में कुलदीप बड़ी मुश्किल बिश्नोई परिवार नजर आ रहा है, लोकसभा चुनाव से दूर इस परिवार को कर दिया गया है। लगातार कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक लोकसभा के चुनाव यही परिवार हिसार सीट से लड़ता रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब पूरी तरह हाशिए पर यह परिवार नजर आ रहा है। सिर्फ आदमपुर विधानसभा सीट तक इस परिवार को सीमित कर दिया गया है, लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। जहां तक चंद्रमोहन का जिक्र आप कर रहे हैं तो दो से तीन दिनों तक के लिए एक नाम जरूर यहां था चंद्रमोहन बिश्नोई का, लेकिन अब रेस से बाहर है। अब जो स्थिति बनी हुई है यहां पर ब्रजेंद्र और जेपी को लेकर संभावनाएं जो है समझी जा सकती है, आमने सामने की स्थिति यहां पर है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व चूंकि बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी में और सिटिंग एमपी थे उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उसी वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से यह कमिटमेंट किया गया था कि जो हिसार सीट पर चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो कांग्रेस अब उन्हें लड़वाने का काम करेगी, तो ऐसे में वो सीट दिए जाने का जो कमिटमेंट है वो किया जा चुका था। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो है परिस्थितियां पूरी अलग है। ग्राउंड जीरो पर जेपी काफी ज्यादा हावी साबित हो रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि जेपी को ही टिकट मिले। आमने सामने की स्थिति है, टकराव की स्थिति है और टकराव भी विस्फोटक स्थिति में तब्दील हो सकता है। यहां तक को जो परिस्थितियां हिसार सीट को लेकर इस वक्त बनी हुई। आपका जो सवाल था कि सबसे बड़ी परेशानी में अगर कोई है तो कुलदीप बिश्नोई परिवार है। चंद्रमोहन का नाम भी अब रेस से बाहर हो चुका है, तो ऐसे में कोई संभावना नहीं है कि चंद्रमोहन बिश्नोई को हिसार लोकसभा का टिकट मिल जाए। अब दूसरा जिक्र कर लेते हैं चौटाला परिवार का यानी देवीलाल परिवार का। फिलहाल परिवार भी चूंकि गठबंधन में सरकार चला रहे थे दुष्यंत चौटाला गठबंधन से अलग होने के साथ ही अब लगातार तूफानों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला हालांकि हिसार सीट से नैना चौटाला को चुनाव मैदान में उतारने का काम दुष्यंत चौटाला की पार्टी की तरफ से कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके परिस्थितियां जो है विपरीत इस वक्त दुष्यंत चौटाला के नजर आ रही है। एक के बाद एक प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह से शुरू हुए थे, उसके बाद एक के बाद एक जो उनके प्रदेश स्तर के नेता है पार्टी छोड़ते हुए जा रहे हैं, हल्का स्तर के जो नेता है वो आए दिन पार्टियां छोड़ रहे हैं और कह सकते हैं कि हर घंटे जो है उनकी जो कुनबा था जननायक जनता पार्टी का घटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि दो से तीन दिनों में वो दिन भी आएगा कि जब जननायक जनता पार्टी के 5 विधायक जो है वो जननायक जनता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अगले एक हफ्ते के भीतर ये घटनाक्रम भी होना ही है। अब जिक्र कर लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का। तो हुड्डा परिवार का वर्चस्व 10-10 लोकसभा सीटें और हरियाणा में विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों पर वर्चस्व इस वक्त बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति बेहद जरूरी कांग्रेस पार्टी में मानी जा रही है और 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ा वोट बैंक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इशारे पर डाइवर्ट कर सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरवा सकते हैं। ये भूमिका जो है हुड्डा परिवार हासिल कर चुका है और टिकटों के बंटवारे को लेकर भी अच्छा खासा वजूद इस वक्त हुड्डा परिवार का देखने को मिल रहा है। तो जो जिक्र यहां पर किया जा रहा था तीनों लालों का, तो इंडियन नेशनल लोकदल का भी मैं जिक्र कर लेता हूं। तो बेहद विपरीत परिस्थितियों का सामना एक के बाद एक हर चुनाव में जो है इंडियन नेशनल लोकदल को करना पड़ रहा है। सिंह चौटाला के लिए बेहद मुश्किल वक्त ये कहा जा सकता है और आने वाले जो चुनाव परिणाम है वो और ज्यादा मुश्किलें इंडियन नेशनल लोकदल की बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि फिर जो इनका पार्टी सिंबल है वो भी खत्म हो जाए। तो इस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है। सबसे बेहतरीन परिस्थिति में अगर कोई इन तीनों लालों में किसी का परिवार अगर नजर आ रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार नजर आ रहा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्थिति साफ है। पॉलिटिकल अगर ग्राउंड्स की बात की जाए वीरेन जी, तो चुनौतियां अपरंपार हैं इन लालों के परिवार में। देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, साइडलाइन हैं इन तीनों परिवार के वारिस। अब सवाल यह है कि आखिर ये हालत क्यों हुई, क्या वजह रही और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? पब्लिक से कनेक्शन नहीं हो पाया, लोग जा नहीं पाए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के बारे में आदमपुर की जनता भी और हिसार के लोग भी ये कहते रहे हैं कि उनका कनेक्शन नहीं रहा, कभी आते नहीं हैं, मूलभूत सुविधाओं के बारे में बातचीत नहीं करते हैं। अगर इन टोटल अगर बात की जाए तो तीनों परिवारों की वारिसों की जो आज स्थिति है, प्रमुख वजह क्या मानते हैं? देखिए ये परिवारवादी पार्टियां जो है मतलब व्यक्तिवाद पर आधारित होती हैं, इनका कैडर बेस तो होता नहीं है। तो ये अगर आज ये स्थिति बनी हुई है तो इसके लिए जो वर्तमान नेता हैं इनके वो खुद दोषी हैं। देखिए कुलदीप बिश्नोई जो है अपना जो है जनाधार धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं और वो देखिए अब उनको टिकट के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। कभी ये परिवार टिकटें बांटा करता था, अब खुद उनको अपनी टिकट के लाले पड़ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अतीत में कुछ राजनीतिक फैसले ऐसे लिए हैं जिसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन जारी रहता तो तस्वीर का रुख दूसरा होता।
और देखिए लोकसभा चुनाव में बब्बे बिश्नोई भी जो है आदमपुर से ही हार गए थे, तो मतलब ये देखने वाली बात है। तो उनको बहुत बड़ा इस बात का रंज भी था, उन्होंने रोष व्यक्त भी किया था कि वो कल्पना नहीं करते कि आदमपुर से भी वो कभी हार सकते हैं। तो इसके लिए वो कारण है, देखिए चौधरी भजनलाल जी का लोगों से जुड़ाव था, उनका संपर्क था, वो सुबह सुबह लोगों से मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई हो या चंद्रमोहन हो, उन्होंने उस परंपरा को जारी नहीं रखा, लोगों से संपर्क या संवाद नहीं रखा। जो चौधरी देवीलाल परिवार की स्थिति है, उसके लिए भी परिवार का विघटन ही दोषी है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इन सबकी जाग रही। तो इसलिए जहां तक चौधरी बंसीलाल के परिवार का संबंध है, चाहे रणवीर मेंद्रा हो, किरण चौधरी हो, इनके मतभेद भी जग जाहिर है, तो सब अपनी व्यक्तिवादी राजनीति का शिकार हो गए। और जो ये चर्च की लड़ाई है, ये लड़ाई गलत दिशा में चली गई। अगर ये जुट रहते तो आज तस्वीर का रुख दूसरा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत है, वहां तो इस तरह का परिवारवाद है नहीं। तो हमने तो कई बार देखा है कि मनोहरलाल जी ने अपने भाई को मंच से नीचे बैठने को दिया, क्योंकि वो तो परिवारवाद पूरे हरियाणा की जनता को मानते हैं। लेकिन इन जो लालों के परिवारों की स्थिति है, अगर आज ये राजनीतिक रूप से पिछड़े गए हैं, इनका कोई उतना प्रासंगिकता नहीं रहेगी, तो उसका कारण यहाँ के इनके नेता खुद दोषी हैं। वीरेन जी, जो भूपेंद्र हुड्डा की स्थिति है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि सबसे मजबूत स्थिति में आज वो हैं। रोहतक की सीट जो उनका गढ़ माना जाता है, उसमें दीपेंद्र हुड्डा का टिकट भी वो सिक्योर कर रहे हैं। साथ ही और जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के लोकसभा सीट पर, जो संभावित होंगे, जिनकी तस्वीर साफ आएगी, उनके भविष्य भी कहीं ना कहीं उन्हीं की मुट्ठी में है। तो उनकी स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे को राज्यसभा की सीट दिलवाई, आ रही कुमारी शैलजा उसमें पात्र थी, लेकिन अपने बेटे को टिकट दिलवाई, चौधरी उदय भान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। और अब देखिए, जबकि दो वर्ष का कार्यकाल दीपेंद्र हुड्डा का शेष पड़ा है, उसके बावजूद उन्हें लोकसभा का टिकट दिलवा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाईकमान पर पकड़ मजबूत है। उसका कारण भी है, हरियाणा की जनता में अगर आज कोई नेता जिसका पूरा प्रभाव और दबदबा है, या जिनको एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में जनता देखती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उसका कारण, उन्होंने अपना जनाधार में उनकी कभी सेंध नहीं लगी। जो रोहतक का गढ़ था, हालांकि पिछली बार का चाहे लोकसभा चुनाव था सोनीपत से, तो वो हार गए थे, लेकिन रोहतक के चुनाव में काफी मुकाबला हुआ था। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना संपर्क राज्य की जनता से बनाए रखा, जो उनका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, लोग उसको आज भी याद करते हैं। तो इसलिए, हालांकि देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे भी अच्छे संबंध है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी में तो लोकप्रिय है, लेकिन दूसरे दलों में भी उनकी लोकप्रियता है। और ये बात है कि उनकी जो छवि है या उनकी मिलनसारिता है, इस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज राज्य की जनता उनको पसंद करती है और भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखती है। देवेंद्र, जो चुनौतियां हैं वो परिवारों के सामने तो हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात कर लें तो कांग्रेस को कितनी मजबूती वो दे पाएंगे? क्योंकि आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो हुड्डा का जो दावा है वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है, और वो दावा क्या कांग्रेस की पूरी कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस को फायदा पहुंचा पाएगा? देखिए सौरभ, चौटाला परिवार की बात करें, जो हिसार का सीन हमारे सामने है, चौटाला परिवार, देखिए अब जजपा का भी वो मतलब बहुत ज्यादा सियासी नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से आज भी लोगों ने पार्टी छोड़ी है, इनेलो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और रंजीत चौटाला जरूर है कि बीजेपी का टिकट उनके पास है, लेकिन चूंकि चौटाला परिवार में डिवीजन होगा वोटों का, एक परिवार है अपने आपस में जुड़े हुए, विभाजन वोटों का हो सकता है, वो बाद की बात है। लेकिन जहां तक भूपेंद्र हुड्डा की बात है सौरभ, आज की बात बताता हूं, आज उम्मीद थी कि टिकटों का ऐलान होगा कांग्रेस का, लेकिन एक नेता ने मेरे को बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बिहार जाना पड़ा है, हालांकि रात तक लौट आएंगे, हो सकता है कि देर रात या कल सूची जारी कर दी जाए। लेकिन जो अभी कांग्रेस की स्थिति है, टिकटों का इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार बीजेपी भी कर रही है, हरियाणा में जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस किन को उतारती, क्योंकि उनका उनके सामने चुनाव लड़ना है बीजेपी उम्मीदवारों को। तो आज रात को या कल सूची आ सकती है, लेकिन मेरे को ये सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अभी भी भारी पड़ रहे हैं टिकटों के, जैसे कुलदीप शर्मा है या जो उनके जहां जहां जो उनके समर्थक थे, जिनकी वो पैर भी कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग टिकट हासिल कर रहे हैं, ये आज की बात है, ताजा प्रगति है। और कुलदीप शर्मा का नाम एक बार फिर चल पड़ा है करनाल से, शायद भूपेंद्र हुड्डा अड़े हुए हैं, क्योंकि कुलदीप शर्मा बहुत नजदीकी है और उनके पीछे चलते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। तो आज फिर जो प्रगति हुई है, मेरे को लगता है जो सूत्र बता रहे हैं कि कुलदीप शर्मा फिर मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं करनाल से। और दूसरा
किरण चौधरी जो एसआरपी की लीडर है उन्होंने कल जो ट्वीट किया था कि हमारा हक ही हमारा हट है, और जिस तरीके से आज अजय माकन का नाम आ रहा है कि अजय माकन को राज्यसभा चुनाव होना पड़ा, शायद इसकी वजह भी है। तो नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि जो सुना जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग किरण चौधरी के लिए है, और कल उन्होंने ट्वीट भी किया, शायद उनको अंदाजा हो गया होगा जो चीजें सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति में भूपेंद्र हुड्डा, मेरे को लगता है जो कांग्रेस के नेता सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अभी तक की स्थिति है कि भूपेंद्र हुड्डा भारी पड़ते नजर आ रही है। बिल्कुल, दावेदारी है और भारीपन है। महेश, चुनौतियां उसके बाद भी क्या कांग्रेस के पास कम हो जाएंगी? क्योंकि दावेदारी में अगर बात की जाए तो हुड्डा की दावेदारी, जिस तरह की देवेंद्र ने भी बताया कि मजबूत है और आपने भी जिक्र किया, तो क्या आप चुनौतियां मान लिया जाए कम हो जाएंगी? बीजेपी से टक्कर दे पाएगी कांग्रेस किसी स्थिति में? देखिए, अगर बीजेपी को कांग्रेस टक्कर दे पाएगी तो वो पार्टी का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अपना कोई उसके पीछे मेहनत नहीं है। यहां पर अगर पार्टी चुनौती देती हुई, यानी कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई नजर आएगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी खामियां हैं, जनता का अपना गुस्सा है जो कांग्रेस पार्टी को इस वक्त ताकत दिए हुए है। सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छा खासा वजूद हासिल कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुड्डा समर्थकों को अगर टिकट मिल गई तो कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तूफान फिर भी देखने को मिलेगा, हो सकता है कि हिसार सीट पे यकीनन मुझे लगता है कि तूफान जरूर आएगा। अगर ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दी गई तो जो जेपी है वो कुछ ना कुछ अपना कमाल जो है जरूर दिखाने का काम हिसार सीट पर करेंगे। हो सकता है कि फिर पार्टी को अलविदा कहने की नौबत भी जेपी के सामने खड़ी हो। अब दूसरा अगर मैं जिक्र करूं तो भिवानी सीट का, तो भिवानी सीट पर भी अगर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का टिकट लोकसभा से काट दिया जाएगा, राम सिंह को अगर उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के चुनाव मैदान में उतारने का काम किया, तो फिर मुझे लगता है कि किरण चौधरी भी चुप नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में अभी ये मानना गलत होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट का जो ऐलान है वो हो जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों का अगर टिकट मिल जाता है तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। दरअसल संकट टिकटों के ऐलान के बाद ही सामने आएगा। विनय जी, मौजूदा स्थिति है टिकटों की, जिताऊ उम्मीदवारों की भी बात की जा रही है। श्रुति के अगर ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात कर लें तो बंसीलाल की राजनीतिक विरासत किरण चौधरी की बेटी ने बढ़ाने की कोशिश की, 2009 में उतारा था, भिवानी से चुनकर संसद पहुंची, उसके बाद 14 और 19 में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, तो एक पैमाना रहता है पार्टी के सामने कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट को चुनने का, जिस तरीके से हमने जिक्र भी किया कई बार अपनी चर्चा में, तो पार्टी उसका भी ध्यान रखेगी। और भविष्य में फलसफे की जिस तरीके से बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई का आगे बीजेपी के साथ दावेदारी की बात वो कर रहे हैं, और जो बंसीलाल परिवार है, भजनलाल परिवार है और देवीलाल परिवार है, इनके वारिसों का सियासी भविष्य आगे किस तरीके की परिस्थिति बनेगी, दोनों सवालों के जवाब आपसे चाहूंगा सर। देखिए, चौधरी बंसीलाल के परिवार में अब देखिए कि किरण चौधरी की को टिकट देने पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन श्रुति चौधरी चुनाव हार गई थी, पिछला चुनाव हार गई थी, तो इसलिए उसका कारण भी है। अब देखिए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जो ग्रुप है वो किरण चौधरी को राज्य की राजनीति से बाहर करना चाहता है, तो इसलिए उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने पर तो किसी को कोई आपत्ति है नहीं कि किरण चौधरी स्वयं चुनाव लड़े। श्रुति चौधरी को चुनाव लड़ाने का ये है कि उनका, हालांकि देखिए वो संपर्क कर रही है, वहां काफी समय से वो अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन किस तरह भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में, धर्मसिंह सिंह के मुकाबले में श्रुति चौधरी जो है उतना मजबूत नहीं माना जाता। और जहां तक भजनलाल के परिवार का संबंध है, देखिए कुलदीप बिश्नोई के समय तब कोई विकल्प है नहीं, किसी और दल में तो जा नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी में रहना ही है, और उनके अब तो भविष्य जो है भव्य बिश्नोई का है। अब देखिए, रेणुका बिश्नोई का भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं करती, चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार वाली स्थिति है, तो इसलिए अगर कुलदीप बिश्नोई अब कोई ऐसी कोई गलती करेंगे तो उसका उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कुलदीप बिश्नोई अब कोई ऐसा कोई जोखिम लेने की स्थिति में, अब वो जो सारी राजनीति देखिए, भव्य बिश्नोई का भविष्य उज्ज्वल है, बहुत युवा विधायक है, प्रभावी है, और वो अपने अपने जो है भाषण कला हो या विषय की विशेषज्ञता हो उससे सबको प्रभावित करते हैं, और उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा का हरियाणा का अध्यक्ष बनाने की भी बात चली थी, लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका। तो मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई को वेट एंड वॉच की वाली स्थिति ही उनके लिए उपयुक्त रहेगी। और जहां तक चौटाला परिवार का संबंध है, अब उसके अंदर देखिए खामियां तो बहुत ज्यादा है, आपस में बहुत ज्यादा विघटन है, परिवार एक होने की संभावना ना के बराबर है। अब जो ये लगता है कि जननायक जनता पार्टी का वो समय
में दौर तो अब नहीं रहने वाला। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए अभय चौटाला जरूर जो है जनाधार बढ़ा सकते हैं, वो जिस तरह राज्य की जनता में अपना संघर्षशील छवि उनकी बनी है। जहां तक रंजीत चौटाला का संबंध है, देखिए रंजीत चौटाला ने हालांकि देखिए निर्दलीय होते हुए अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, अब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया है, अब उस पर 23 अप्रैल को तय होना है, लेकिन अभी तक उनके इस्तीफे की पुष्टि नहीं हो पाई है और वो मंत्री भी बने हुए हैं, तो नैतिक आधार पर तो उनको मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन रंजीत चौटाला अगर चुनाव जीतते हैं तो उनका भविष्य, अगर हार जाते हैं वो काफी लंबे समय के बाद वो कोई चुनाव जीते थे रानिया से, तो अगर वो ये चुनाव हार जाते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में सियासी पारा जरूर हाई है, और ऐसे में अगर पारिवारिक वारिसों की बात की जाए तो उनके सामने उन कमियों को, बैकलॉग्स को दूर करने की बड़ी चुनौती है। लोगों से मिलें, जनता से जुड़ाव करें और जो ड्रॉबैक्स हैं उसको कहीं ना कहीं खत्म करते चलें, जिससे कि भविष्य की राजनीति, उनका भविष्य कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में सिक्योर हो सके। और साथ ही हुड्डा गुट अगर कितना मजबूत साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती देगा ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।